चलिए चलिए थोड़ा सा पीछे रखिए नहीं तो मुंह में घुस जाएगा। चलिए बताइए पूछिए। आप अयोध्या आए हैं, पहली बार राम लीला का मंचन कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो करेक्टर है राम का, धरती पे इससे बड़ा करेक्टर कुछ बना ही नहीं। अब भगवान का रोल करना ये अपने आप में एक अद्भुत है और ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। बॉबी भैया की वजह से आज हम लोग इस राम जन्म की भूमि पे हैं और ये हमारा सौभाग्य है। मैं इससे पहले भी एक सिनेमा करके गया हूँ यहाँ पे और बड़ा कमाल का सिनेमा बना है, वो रंग दे बसंती देशभक्ति सिनेमा है। हमने हनुमान जी हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का गाना किया था, राम जी की जय हनुमान जी की जय। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि जिस राम ने हमें जन्म दिया कभी उनके रोल में हमें खड़ा होना पड़ेगा। और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा रोल इससे राम के रूप में, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बड़ा करेक्टर कुछ हो ही नहीं सकता। जिसने पूरी दुनिया को संवार दिया उस करेक्टर में आज मुझे खड़ा होके मेरे पैर कांप रहे थे कि मैं पता नहीं जिसने मुझे बनाया मैं उसका करेक्टर कर पाऊंगा कि नहीं। बट एज ए एक्टर मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ा रोल है ये और इससे बड़ा रोल मैं नहीं कर सकता। देखिए जीवन में राम के विचारधारा पर अगर हर इंसान चल देना तो मुझे लगता है कि वो माँ का सम्मान उतना ही होगा कि एक शब्द 14 बरस का वनवास काट दिया। सिर्फ माँ की इच्छा पूरा करने के लिए कोई बेटा इतना करता है क्या? हर उस मर्यादा, मुझे लगता है कि उनसे बड़ा मर्यादा इस धरती पे किसी ने नहीं है। और जिसने मर्यादा में अपने जीवन को चलाया है वो हमेशा खुशों में उत्तम। देखिए मैं भी तो बोल रहा हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रोल है ये और ऐसा रोल सबको नसीब नहीं होती है। अरुण गोविल जी को हुआ था क्योंकि हमने उनको ही देखा था और आज ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बस भगवान राम से ही प्राप्त, जिस सिनेमा और जिस रोल में हूँ इस रोल में ऐसे ही याद हमको। देखिए अगर आप अपने राज्य की भूमिका को समझते हैं तो उससे बड़ा उत्तम कुछ चीज होती नहीं है, क्योंकि राज्य का प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है। और जो ये आदमी समझ गया मुझे लगता है कि वो राम की तरह जीवन को चला सकता है और उसे भी दुनिया राजा राम की तरह ही प्यार करेगी। बिहार का और यूपी का, अयोध्या का बहुत पुराना रिश्ता है और सीता सहित और लक्ष्मण सहित आज पहली बार बड़ी मंचन कर रहे हैं और अयोध्या की रामलीला में, इस पे आप क्या? देखिए मैं सीता राम, सीता के बिना बिहार के बिना यूपी अधूरा है और यूपी के बिना बिहार अधूरा है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों का ससुराल और मायके का रिश्ता है। तो जैसे राम जी का ससुराल हमारे यहाँ है तो हमारी सीता जी का ससुराल आपके यहाँ है। तो ये तो बड़ी रिश्तेदारी है कि दो धरती के ऐसे इंसान, जो रामायण मुझे लगता है कि ग्रंथ में सबसे ऊपर कहा जाता है रामचरितमानस को, और उस रामचरितमानस को प्रेजेंट करने का बस दो ही जगह है, एक यूपी और एक बिहार। एक बात हम कह रहे हैं कि बिहार से शुरू हुई आज जो सनातन धर्म है, आप रामलीला का मंचन कर रहे हैं, बिहार से शुरू हुई सनातन धर्म पे रामलीला पे तमाम टिप्पणी हुई, तो आज के जो नेता हैं जो इस पे टिप्पणी कर रहे हैं उन नेताओं को क्या कहेंगे आप? देखिए धर्म के नाम पे तो राजनीति करना ही नहीं चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि धर्म हर आदमी के लिए है और मुझे लगता है कि धर्म अपने जगह पे है, विकास अपनी जगह पे है, चुनाव अपने जगह पे है और नेता का वर्चस्व अपने जगह पे है। तो मुझे लगता है कि आप अपने फायदे के लिए कभी धर्म का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेटर है। जय श्री राम।